तो अब हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है बियरिंग, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि बियरिंग क्या है और बियरिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, और फिर इसका हम डिजाइन कैसे करेंगे। डिजाइन का मतलब ये हो गया यहाँ पर बियरिंग का कि इसका बेसिकली सिलेक्शन होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए किस टाइप का बियरिंग जो है वो हमारे लिए सुटेबल होता है, और कोई बियरिंग का लाइफ कितना हो सकता है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू द लाइफ, लोड कैरिंग कैपेसिटी, है ना, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर, इन सब के आधार पर जो है हम उसकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल डिवाइस में, यानी जितने भी मैकेनिकल डिवाइस है उसमें बियरिंग जो है एक बहुत ही क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। यानी कि हम हर एक मशीन जो कि हम देखते हैं, यानी कि हर मशीन में कोई ना कोई मूविंग पार्ट जरूर होता है, और जो भी मूविंग पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारा बियरिंग के ऊपर ही इंस्टॉलेशन होती है, ठीक है। तो बियरिंग को अगर हम डिफाइन करें कि बियरिंग क्या है, तो कहेंगे कि बियरिंग इज ए मैकेनिकल एलिमेंट, ये एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट है दैट परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स। यानी कि मशीन में जहां पर बियरिंग लगा हुआ होता है, ये बियरिंग जो है वो परमिट करता है किस चीज को, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स, दो पार्ट के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, जैसे कि शाफ्ट, है ना। जनरली जो भी मशीन होता है उसमें एक मूविंग पार्ट जो होती है वो एक शाफ्ट होता है, और दूसरा पार्ट जो है शाफ्ट जिस चीज में इंस्टॉल रहता है वो है हाउसिंग, है ना। जैसे कि अगर हम लोग एक व्हीकल की ही बात करें या कोई भी आईसी इंजन की ही बात करें, तो वहां पर एक, यहाँ पर एक शाफ्ट होता है, और ये शाफ्ट जो है बेसिकली रोटेटिंग एलिमेंट्स है, ये लगातार मूव करते रहता है इंजन के पावर से। और इसका इंस्टॉलेशन जो है हम लोग एक हाउसिंग के अंदर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाउसिंग में ये जैसे कि ये हाउसिंग हो गया और ये एक शाफ्ट हो गया, तो ये शाफ्ट अब रोटेटिंग पार्ट है, और हो सकता है कि हाउसिंग हमारा क्या हो, यहाँ पर स्टेशनरी पार्ट हो, ठीक है, ये हमारा रुका हुआ हो और ये रोटेटिंग एलिमेंट है। तो अब इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन आएगा, क्योंकि शाफ्ट जो है हाउसिंग के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो अब यहाँ पर ही हम लोग क्या लगाते हैं, बियरिंग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ही जहाँ पर ये रोटेटिंग पार्ट शाफ्ट है और हाउसिंग जो उसका एक स्टेशनरी पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो यहाँ पर हम लोग बियरिंग के थ्रू इसको हम कांटेक्ट सरफेस देते हैं। तो बियरिंग यहाँ पर क्या करता है, जो हाउसिंग या शाफ्ट के साथ यहाँ पर पूरा इंस्टॉलेशन है, ये उसको रिलेटिव मोशन करने में परमिट करता है विथ मिनिमम फ्रिक्शन, यानी मिनिमम फ्रिक्शन। जैसा कि अगर हम यहाँ बियरिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो शाफ्ट का सरफेस है और ये हाउसिंग का जो सरफेस है, ये एक दूसरे के क्या होगा, कांटेक्ट में आ जाएगा, और तब अगर ये शाफ्ट रोटेट करता है तो यहाँ पर दोनों ही कॉन्टेक्टिंग सरफेस के बीच में क्या होगा, हाईली फ्रिक्शन जनरेट करेगा। क्योंकि शाफ्ट में होता क्या है कि शाफ्ट के ऊपर लोड भी एक्ट होता है, कोई एक लोड भी को तो लोड को भी तो शाफ्ट कैरी करता है ना। तो लोड जितना इस पर हाई होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इस पर हाई होगा, और उतना ही यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, हाई होगा। तो फिर इतना ना यहाँ पर ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा कि फिर ये जब शाफ्ट को हम रोटेट करवाना चाहेंगे हाउसिंग के रिस्पेक्ट में, तो ये का हाई फ्रिक्शन के चलते रोटेट कर ही नहीं पाएगा, और अगर करेगा भी तो यहाँ पर हमारा काफी एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के रूप में जो भी एनर्जी लॉस होगी वो यहाँ पर हीट ही जनरेट करेगा। तो इसलिए जब हम लोग यही पर अगर बियरिंग से, यानी कि हाउसिंग और जो शाफ्ट है, तो इसके बीच में अगर हम लोग कॉन्टेक्टिंग सरफेस के रूप में कोई भी बियरिंग दे दे, यहाँ पर जैसे एक बियरिंग दे देते हैं, तो बियरिंग क्या करता है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट को रिड्यूस कर देता है, जो
हाउसिंग का जो सरफेस है और शाफ्ट का सरफेस है, दोनों के बीच में जो पहले फुल्ली कांटेक्ट था, उसके कांटेक्ट पॉइंट को है ना, या कांटेक्ट एरिया को वो रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस होने के चलते जो है यहाँ पर जो फ्रिक्शन होती है वो वैल्यू कम हो जाता है, और साथ ही जो है एनर्जी का लॉस भी कम हो जाता है, और वो स्मूथली जो है वो रिलेटिव मोशन हमें यहाँ से मिलती है। तो इस तरह से हम बियरिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि बियरिंग एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट है जो कोई जो मैकेनिकल पार्ट्स, दो मैकेनिकल पार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन को अलाउ करता है विद मिनिमम फ्रिक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया बियरिंग का डिफिनेशन। बियरिंग का इस्तेमाल हम लोग करते ही है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और इससे जो मूविंग पार्ट होता है वो हमारा लगातार स्मूथली मूव करते रहता है। फंक्शंस ऑफ द बियरिंग, बियरिंग का फंक्शंस क्या है? तो पहला फंक्शंस ये है कि बियरिंग इंश्योर फ्री रोटेशन ऑफ द शाफ्ट और द एक्सल विथ मिनिमम फ्रिक्शन। जैसा कि अभी हम बताएं कि इसका पहला फंक्शन क्या है कि ये रोटेशन ऑफ शाफ्ट को विथ मिनिमम फ्रिक्शन के साथ ये इंश्योर करता है, मतलब ऐसा लगता है कि वहां पर फ्री रोटेशन हो रहा है, फ्रिक्शन की मान बहुत ही कम है। दूसरा जो बियरिंग का फंक्शन है कि बियरिंग जो है वो सपोर्ट द शाफ्ट और एक्सल एंड होल्ड इट इन करेक्ट पोजीशन। ये शाफ्ट को एक करेक्ट पोजीशंस में, चाहे क्योंकि शाफ्ट के ऊपर आप जैसे हम भैकिले का कोई एक भैकिले लेते हैं, जो मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि फोर व्हीलर को एक भैकिल ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंजन होता है और इंजन का पावर या तो रियर एक्सल पे जाता है या फ्रंट एक्सल पे जाता है। तो मोस्ट ऑफ द व्हीकल का जो पावर होता है वो रियर एक्सल पे ही आता है, तो यहाँ पर रियर एक्सल पे पावर आती है तो ये एक्सल जो है वो रोटेट करता है ना, और ये एक्सल जो है एक शाफ्ट के अंदर से शाफ्ट के अंदर से मतलब इसका फिटिंग होता है, तो ये शाफ्ट के ऊपर पूरा व्हीकल का लोड होता है, या इस व्हीकल के अंदर जो भी पैसेंजर बैठा हुआ है, जो भी लोग बैठा हुआ है या कोई सामान रखा हुआ है, उसका लोड जो है वो कहीं ना कहीं इसी शाफ्ट के ऊपर ही आता है, और ये लोड जो है फाइनली शाफ्ट से होते हुए ये व्हील के थ्रू जो है ये कहाँ चला जाता है, ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में कौन है, ग्राउंड के कांटेक्ट में तो जो व्हीकल का व्हील है वही है, तो जो भी इस व्हीकल का अपना लोड है और उसमें बैठा हुआ लोग का लोड है और या सामान का लोड है वो सब यहाँ शाफ्ट के थ्रू जो है वो जाता है व्हील पे, और व्हील से फिर जाता है ग्राउंड पे। तो यहाँ पर शाफ्ट और व्हील के बीच में रिलेटिव मोशन भी है, यहाँ व्हील क्योंकि जब व्हीकल मूव करता है फ्रंट की ओर तो ये व्हील रोटेट भी कर रहा है, तो व्हील का यहाँ दोनों फंक्शन है कि व्हील रोटेट करके इसको फॉरवर्ड मोशन भी दे रहा है और इसके व्हीकल के लोड को ग्राउंड में भी ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो शाफ्ट पे लोड आया है वो शाफ्ट और यहाँ व्हील के बीच में जो बियरिंग हाउसिंग है वहां पर बियरिंग लगा हुआ है, तो शाफ्ट से लोड बियरिंग पे जाता है और बियरिंग से उस व्हील पे जाती है और व्हील से तब ग्राउंड में जाता है, तो यहाँ पर लोड बियरिंग के ऊपर भी आती है। तो बियरिंग क्या करता है, तो सपोर्ट द शाफ्ट और एक्सल एंड होल्ड इट इन करेक्ट पोजीशन। अब है कि शाफ्ट उससे इधर उधर ना हो जाए, ये शाफ्ट इधर या उधर क्योंकि कभी टर्निंग होता है इस व्हील का व्हीकल का, तो उस समय ये शाफ्ट अपने प्लेस से इधर उधर ना खिसके बियरिंग जो है उसको शाफ्ट के पोजीशन को लॉक भी करता है, वो अपने ही पोजीशन पे बना रहता है। तीसरा फंक्शन वही हो गया कि जो लोड है, फोर्स है जो भी व्हीकल का या पैसेंजर का या सामान का, तो वही है कि बियरिंग टेक्स अप द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द शाफ्ट। जो भी शाफ्ट और एक्सल पे लोड है, फोर्स है, उसको भी वो टेकअप करता है और उसको फिर फाइनली ट्रांसमिट कर देता है या तो फ्रेम में या फाउंडेशन में, फाउंडेशन
है ना, जो कि फाइनली ग्राउंड में चला जाता है। ग्राउंड के ऊपर फ्रेम या फाउंडेशन इंस्टॉलेशन रहता है, तो लोड जो है बियरिंग के थ्रू वो फ्रेम और फाउंडेशन में चला जाता है। तो ये बियरिंग का ये क्या है, बेसिक थ्री फंक्शन है ना। जितना भी मूविंग पार्ट है, हमारे घर में भी व्हीकल्स है, हमारे घर में भी मशीन्स है, और सब में हम देखते हैं कि जहाँ भी मूविंग पार्ट है तो वहां पर जरूर बियरिंग को लगाया जाता है ना। या तो बियरिंग में जैसे कि बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग होता है, या नहीं तो फिर वैसे मूविंग पार्ट्स के ऊपर हम लोग कोई ना कोई लुब्रिकेंट डालते हैं। जहां भी मूविंग पार्ट होता है वहां पर हम लोग लुब्रिकेंट को डालते हैं, ठीक है। तो भी हमारा जो फंक्शन है वहां पर कॉन्टेक्ट सरफेस का, वो स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम जो है अपने व्हीकल्स के मूविंग पार्ट में जो लुब्रिकेंट्स वगैरह डालते रहते हैं, जिससे उसका वहाँ पर फ्रिक्शन का मतलब जनरेशन कम हो, और फ्रिक्शन कम होगा तो हीट कम जनरेट करेगा, और हीट कम जनरेट करेगा तो वो जो मूविंग पार्ट है उसका लाइफ जो है वो बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बियरिंग के ऊपर। तो अब बियरिंग कौन कौन तरह का होता है, तो अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन देम, यानी बियरिंग के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके आधार पर अगर हम लोग बियरिंग के टाइप्स को देखें तो वो दो तरह का होता है। पहला होता है रेडियल बियरिंग, ठीक है। तो रेडियल बियरिंग क्या है कि ऐसा बियरिंग जिसमें जैसे शाफ्ट का एक्सिस है, ये हमारा क्या है, शाफ्ट का एक्सिस है, और शाफ्ट के एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, कोई भी लोड एक शाफ्ट एक्सिस पर क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ऐसे लोड को हम लोग कहते हैं रेडियल लोड। पूछेगा रेडियल लोड क्या है, तो कहेंगे ऐसा लोड का वैल्यू जो शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट होता है, तो उसको हम लोग रेडियल लोड कहते हैं। और इस रेडियल लोड को कैरी करने के लिए जो बियरिंग हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यही बियरिंग जो है वो कहलाता है रेडियल बियरिंग। रेडियल लोड को सपोर्ट देने के लिए जो बियरिंग इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या कहते हैं, रेडियल बियरिंग कहते हैं। दूसरा टाइप होता है थ्रस्ट बियरिंग। तो पहले थ्रस्ट बियरिंग जो है वो थ्रस्ट लोड क्या है, तो शाफ्ट का एक्सिस है, और शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग अगर लोड लगता है तो यहाँ पर ये इसको हम लोग कहेंगे थ्रस्ट लोड, ठीक है। शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग लगने वाला लोड को हम कहते हैं थ्रस्ट लोड। और इस थ्रस्ट लोड को कैरी करने के लिए जो बियरिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पर थ्रस्ट बियरिंग। जैसे कि यहाँ पर एक लोड जो है राइट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, और ये शाफ्ट के साथ यहाँ पर एक कॉलर लगा हुआ है, और ये कॉलर जो के और यहाँ पर जो हाउसिंग है इसके बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बियरिंग लगा हुआ है, तो ये एक बियरिंग है। तो ये बियरिंग जो है वो किस लोड को कैरी कर रहा है, तो यहाँ थ्रस्ट लोड को कर रहा है, तो इस बियरिंग को हम लोग कहेंगे थ्रस्ट बियरिंग, ठीक है। उसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है बियरिंग का, वो है टाइप ऑफ फ्रिक्शन के आधार पर, मतलब या टाइप ऑफ फ्रिक्शन कहे या टाइप ऑफ कांटेक्ट कहे, इसको फ्रिक्शन या फिर टाइप ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं कि जो दोनों मतलब बियरिंग का जो कांटेक्ट है, या तो जिस दो रिलेटिव मोशन जिस दो मैकेनिकल पार्ट में है उस बीच में हम जो बियरिंग लगाते हैं तो उसका कांटेक्ट कैसा है, उसके आधार पर अभी दो तरह का होता है। एक होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, क्या होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, है ना, यानी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, और दूसरा हो गया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, तो इन दोनों को ही हम लोग को डिटेल से पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम लोग जो है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को देखते हैं कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या है। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो है, इसमें जो रोलिंग नाम ही है रोलिंग, तो इसमें जनरली जो बियरिंग होगा वो बियरिंग एक रोलिंग एलिमेंट टाइप का होगा जो रोल कर रहा हो, है ना। रोल करना मतलब क्या हो गया कि इस तरह से ये अपने ही प्लेस पर मतलब रोटेट करना, रोलिंग करते रहना, है ना। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर में जो है खास करके ये बॉल होता है जिसको हम लोग बॉल बियरिंग कहते हैं, या रोलर होता है। तो ये वाला जो स्फेरिकल शेप का होता है इसको हम लोग बॉल कहते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, ये सिलिंड्रिकल टाइप का, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल टाइप का है, तो इसको हम लोग कहते हैं रोलर। ये क्या है? रोलर है। तो बॉल बॉल यूज करेंगे तो इसी का नाम बॉल बियरिंग होगा, और रोलर इस्तेमाल करेंगे तो इसी का नाम रोलर बियरिंग हम कहेंगे, ठीक है। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट होता है जैसे बॉल और रोलर, ये इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसके बीच में, तो जिस दो सरफेस के बीच में क्या है रिलेटिव मोशन है, जिन दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है उन दोनों सरफेस के बीच में हम लोग बॉल या रोलर को डाल देते हैं, तो इससे कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाती है और फ्रिक्शन का मान घट जाता है और वो एक तरह का बियरिंग का काम करने लगता है ना। तो जैसे है कि अभी मान लीजिए कि कोई मतलब एक शाफ्ट है और इसके ऊपर हाउसिंग है, यहाँ पर अगर एक हाउसिंग है और इसमें अगर हम लोग यहाँ पर अभी कांटेक्ट में रहेगा तो ये पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में रहेगा, और इसी बीच में अगर हम लोग एक बॉल डाल दिए, तो बॉल डाल दिए तो अब इसका क्या है कॉन्टेक्ट बहुत कम हो गया, अब सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में ये दोनों ही क्या हो रहा है, ये बॉल जो है हाउसिंग के साथ भी ये पॉइंट कांटेक्ट में है और बॉल जो है यहाँ पर शाफ्ट के साथ भी एक पॉइंट कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या हो गया कि काफी घट गया, ठीक है। तो इस तरह रोलिंग कांटेक्ट बियरिंग को एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहा जाता है। एंटी फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का एंटी हो गया, जो कम कर देगा इन फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम कर देगा, इसीलिए इस रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहा जाता है, या फिर सिंपली इसको बॉल बियरिंग भी हम लोग कहते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग काफी देखते हैं, जो हम लोग बाइस्किल यूज करते हैं, बाइस्किल में होता है, बाइक में होता है, मशीन टूल स्पिंडल में होता है, ऑटोमोबाइल का जो फ्रंट और रियर एक्सल होता है उसमें यही रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का यूज होता है, गियर बॉक्स में रहता है, कोई भी स्मॉल साइज का इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, रोप सीव, क्रेन हुक, होस्टिंग ड्रम, है ना, और भी न जाने कितना सारा ऐसा मतलब डिवाइस है जिसमें मूविंग पार्ट्स को, कि जहां मूविंग पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन जो है उसको फ्रिक्शन कम करने के लिए हम यहाँ पर एंटी फ्रिक्शन यानी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ बियरिंग के रूप में हम लोग बॉल्स या रोलर को हम उन दो मूविंग पार्ट के बीच में फिटिंग कर देते हैं, तो फिर यहाँ से क्या हो जाता है हमें फ्रिक्शन जो है कम हो जाती है और वो स्मूथली रन करता है और हमारा पावर भी लॉस कम होता है ना। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के में बेसिकली जो है वो चार पार्ट्स होते हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में बेसिकली चार पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग इनर और आउटर रेस कहते हैं, एक इनर और आउटर रेस हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर फिगर देखें तो यहाँ पर है, ये है कि जैसे ये हमारा कहलाता है आउटर रेस, बियरिंग जिसमें फिट होता है, इसका बाहर वाला जो ये सिलिंड्रिकल या पार्ट होता है या फिर डिस्क जैसा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं आउटर रेस। ये वाला हो गया अंदर का, ये इनर रेस,
ठीक है। और इस आउटर रेस और इनर रेस के बीच में हम लोग क्या है नंबर ऑफ बॉल्स इस्तेमाल करते थे, ये सब बॉल्स है। और ये पूरा असेंबली को कहीं ना कहीं एक असेंबली को फिटिंग करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग केज कहते हैं, केज, केज है ना। केज के अंदर ये पूरा का पूरा जो है बियरिंग का क्या होता है फिटिंग होता है ना। तो वही इसमें जो चार बेसिक पार्ट है वो आपको इनर और आउटर रेस हो गया। उसके बाद एक रोलिंग एलिमेंट में जैसे बॉल या रोलर या निडिल, ठीक है। निडिल में होता रोलर, रोलर और निडिल एक ही चीज है। बस रोलर ये है कि मतलब इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप जैसा होता है, ये रोलर कहलाता है। और निडिल में होता क्या है कि ये भी सिलिंड्रिकल ही होता है, लेकिन डायमीटर इसका छोटा होता है और लंबाई इसका क्या होता है बड़ा होता है। जैसे हम लोग सुई का भी निडिल कहते हैं, सुई का निडिल कैसे होता है जिसमें सुई को हम लोग ढक के रखते हैं, है ना, वो भी एक तरह का निडिल ही है। तो निडिल भी एक रोलर ही है, लेकिन बस यही है कि डायमीटर जो है वो लेंथ के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। तो रोलिंग एलिमेंट के रूप में बॉल, रोलर या निडिल हो गया, और एक केज होता है। और केज का यहाँ पर काम क्या होता है, तो विच होल्ड द रोलिंग एलिमेंट्स टुगेदर, ये पूरा रोलिंग एलिमेंट्स को एक साथ होल्ड किए हुए रहता है, उसको पकड़े हुए रहता है। यानी कि ये एक तरह का स्ट्रक्चर हो गया जो ये पूरे असेंबली को होल्ड किए हुए रहता है। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में चार पार्ट्स होते हैं, इनर और आउटर रेस, उसके बाद एक रोलिंग एलिमेंट में बॉल, रोलर, निडिल जो भी है, एक रोलिंग एलिमेंट हो गया और एक केज हो गया, ये चार हो गए। अब यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि ये आपको उतना सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका हम एक ओवरव्यू दे देते हैं कि टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में कौन कौन से होते हैं। तो जैसे डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग, टैपर रोलिंग बियरिंग, है ना। तो यहाँ पर इसका फिगर है, जैसे कि ये फिगर जो दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट वाला, ये है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। तो ये वाला पार्ट आउटर रेस हो गया, इसको हम लोग आउटर रेस कहते हैं, और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आउटर रेस में एक हेमी स्फेरिकल जैसा यहाँ पर ग्रूव बना हुआ रहता है, इनर और आउटर रेस में दोनों में ही क्या बना हुआ रहता है, एक हेमी स्फेरिकल शेप जैसा ग्रूव बना हुआ रहता है। और इस ग्रूव में हम लोग क्या करते हैं, बॉल को फिट कर देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इस पर अगर रेडियल लोड लगता है, जैसे ये रेडियल लोड हो गया, ये क्या हो गया, रेडियल लोड, तो इसके पास क्या होता है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग के पास रेडियल लोड को कैरी करने का कैपेसिटी होता है। और इसमें जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, जैसे बॉल और आउटर रेस के बीच का कांटेक्ट एक पॉइंट के रूप में रहता है, और ये उसी तरह बॉल और इनर रेस के बीच में भी जो कांटेक्ट सरफेस है वो एक पॉइंट के रूप में कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो इस कारण से यहाँ पर फ्रिक्शन की मान क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है, क्योंकि ये बस एक पॉइंट के रूप में यहाँ क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग जो है यहाँ पर इसके पास रेडियल लोड कैरी करने का कैपेसिटी होता है, और एक होता है थ्रस्ट लोड। देखिए तो थ्रस्ट लोड इधर लगता है एक्सिस के अलोंग, तो थ्रस्ट लोड में अगर इनर केज पे, इनर रेस पर अगर लगता है तो ये इनर रेस इधर की ओर स्लाइड होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर जो इसका कर्वेचर है ये कर्वेचर इसको स्लाइड होने नहीं देगा। तो मतलब हो गया कि ये डीप ग्रूव बियरिंग जो है रेडियल लोड तो काफी ज्यादा कैरी करता है, और कुछ लिमिट तक जो है ये थ्रस्ट लोड को भी ये क्या करता है, कैरी करता है।
उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने से फ्रिक्शन कम होता है, तो टेम्परेचर राइज भी इस डीप ग्रूव बॉल बियरिंग में कम होता है। तो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने के चलते यहाँ पर नॉइज जो है, यानी कि ये बियरिंग जब ऑपरेटिंग में होगा तो यहाँ से नॉइज भी बहुत कम आता है, मतलब ये एक तरह का नॉइजलेस बियरिंग है ना। हाँ, उसके बाद इसका जो इस्तेमाल करते हैं, खास करके इस बियरिंग का इस्तेमाल हम लोग हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जहाँ पर हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए। हालांकि लोड यहाँ पर कुछ कम ये कैरी करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, अगर जो भी अगर यहाँ पर हैवी लोड लगा देंगे तो हैवी लोड ये क्या करेगा, एक पॉइंट के ऊपर लगाएगा तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया यहाँ पर कम है और लोड ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बॉल जो है जल्दी फेल कर जाएगा। तो लोड उतनी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब फिर भी कैरी करता है, लेकिन बहुत हैवी लोड अगर हम लोग और सब के तुलना में करेंगे तो वो लोड कुछ कम करता है कैरी। लेकिन स्पीड जो होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने से और नॉइजलेस ऑपरेशन होने से ये काफी हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। दूसरा टाइप है सिलिंड्रिकल रोलर। जैसे कि है कि इसमें सिलिंड्रिकल, इसमें रोलर जो है, जो बियरिंग होता है वो एक सिलिंड्रिकल रोलर जैसा होता है। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है, इसमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर लाइन ऑफ कांटेक्ट है, मतलब यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट एरिया जो है यहाँ पर ज्यादा है, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में यहाँ पर क्या है, लाइन कांटेक्ट है। तो इस कारण से इस सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग का यूज जो है हैवी रेडियल लोड जो है, हैवी रेडियल लोड को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस पर लोड ज़्यादा लगेगा तो ये सारा लोड जो है ये पूरे एरिया पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। तो सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग का यूज जो है वो हैवी लोड को कैरी करने के लिए, या फिर जो हैवी लोडेड जहाँ पर एप्लीकेशन है तो वहाँ पर बियरिंग के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो है रेडियल लोड तो हैवी करता है, लेकिन इसका जो थ्रस्ट लोड है वो पुअर होता है, क्योंकि अगर थ्रस्ट लोड इधर लगेगा तो ये इनर रेस इधर की ओर मूव करना चाहेगा, तो इसको लॉक करने के लिए बस इतना ही सरफेस इसमें कॉन्टैक्ट में है, तो ये एक लिमिट वैल्यू तक ही थ्रस्ट लोड को कैरी करता है, बट हैवी लोड को ये ज्यादा कैरी करता है। तीसरा है एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, अच्छा सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग में एक बात और है कि ये सेल्फ अलाइनमेंट नहीं होता है। सेल्फ अलाइनमेंट कहने का मतलब हो गया कि इसके लिए ये रोलर तभी फिटिंग आएगा जब ये पूरी तरह से क्या हो, करेक्ट पोजीशन पर हो। अगर इसमें इनर और आउटर रेस का थोड़ा भी मिस अलाइनमेंट होगा तो ये बियरिंग जो है वो फिट नहीं करेगा, तो इसके पास सेल्फ अलाइनमेंट जैसा गुण नहीं होता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट में ये है कि यहाँ पर जो इस तरह से इसका शेप होता है आउटर रेस का, देखिए ये इस तरह का बना हुआ है इसका शेप, है ना, और इनर रेस का भी यहाँ पर क्या है कि इस तरह का शेप बना हुआ, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा और यहाँ पर रेडियल लोड जैसे W लग रहा है, तो जो लोड लग रहा है सीधा वर्टिकल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एज एक एंगल के ऊपर, है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग। तो एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग में जब हम लोग यहाँ पर रेडियल लोड लगाएंगे तो कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, तो इसमें ये पॉइंट जो है, ये लोड जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट है वो तो नॉर्मल कंपोनेंट उसका ऐसे लगेगा लोड का, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। तो इस पर देखिए हम लगाएं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन एंगुलर कांटेक्ट होने की वजह से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लोड भी इसमें
इंड्यूस खुद से हो जाता है क्योंकि ये एंगल पे कांटेक्ट कर रहा है ना। तो फिर ऐसे बियरिंग को इंस्टॉलेशन के लिए हमको दो पेयर की जरूरत होती है, मतलब ये इस, क्योंकि मान लीजिए कि देखिए इधर की ओर अगर थ्रस्ट लोड लगेगा तो ये बॉल जो है वो कैरी कर लेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है लॉकिंग है लेकिन बहुत ही स्मॉल है। अगर इधर लगेगा इस डायरेक्शन में तो फिर ये वाला सरफेस इसको लॉक करके रखेगा लेकिन ये भी आर्क इसका क्या है बहुत छोटा है। तो जनरली एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग जो होता है वो दो पेयर में इस्तेमाल होता है, मतलब इसी में एक और ग्रूव बना हुआ रहता है और यहाँ एक और बॉल लगा हुआ रहता है। तो ये इसमें एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग में जो यूज है वो पेयर में यूज होता है, ठीक है, तब जा करके इसका परफॉर्मेंस हमें अच्छा मिलता है ना। तो मतलब दो बियरिंग लगा देंगे तो फिर ये थ्रस्ट लोड को भी कैरी करने के लिए ये सुटेबल हो जाएगा। चौथा है सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग में क्या है कि यहाँ पर इनर रेस में तो ग्रुप्स बना हुआ है और यहाँ पर आउटर रेस में एक कॉमन सिलेंड्रिक कॉमन स्फेरिकल स्लॉट कटा हुआ है, मतलब इसमें तो इसमें ये बॉल जो फिटिंग है वो बॉल अपने पोजीशन से इधर उधर इसमें मूव करके ये सेल्फ अलाइन हो सकता है। यानी कि ऐसे बियरिंग में अगर हमारा साफ्ट या इनर रेस का मिस अलाइनमेंट भी होता है तो यहाँ पर एक कॉमन स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से ये बॉल जो है वो आपस में इधर उधर रोल करके खुद को क्या कर सकता है अलाइनमेंट कर सकता है। तो इसमें मिस अलाइनमेंट को ये टॉलरेट कर सकता है। तो सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग जो है वो आपको मिस अलाइनमेंट को क्या करता है टॉलरेट कर लेता है। तो इसका भी इस्तेमाल मतलब हम लोग कई एग्रीकल्चरल मशीनरी के रूप में भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है स्फेरिकल रोलर। तो इसमें वो सेल्फ अलाइनमेंट का टाइप का ही है, यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर एक क्या है एक रोलर है, बाकी गुण जो है वो ये सब इसके तरह ही है। और यहाँ भी है कि ये भी अपना थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड, थ्रस्ट लोड तो कम रेडियल लोड ज्यादा ये कैरी करता है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल बियरिंग है वो है टैपर रोलर बियरिंग, है ना। टैपर रोलर बियरिंग का खास करके काफी ज्यादा यूज है, जितना भी हैवी व्हीकल है कार हो गया ट्रक हो गया बस हो गया इस सब में हम लोग जो है रेलवे एक्सल में भी होता है ना, रेलवे एक्सल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टैपर रोलर बियरिंग जो है इसमें मतलब यहाँ पर टैपर शेप में यानी कि ये कोनिकल फ्रस्टम जैसा होता है ना, या ये इसका जो बियरिंग का कटिंग होता है ये कोनिकल फ्रस्टम के जैसा और इस प्रकार से होता है कि इसका जो मतलब अगर हम लोग एक्सिस को बढ़ाएंगे और इधर के भी एक्सिस को बढ़ाएंगे तो ये दोनों ही एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पर क्या करेगा कट करेगा, ठीक है। और ये पॉइंट जहां पर ये कट करेगा ये ऑन द एक्सिस ऑफ शाफ्ट होगा, तो इससे ज्यादा स्मूथ ऑपरेशंस मिलता है। तो देखिए यहाँ भी क्या होगा कि हैवी लोड अगर लगेगा तो इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक क्योंकि यहाँ भी कॉन्टेक्ट क्या है एक एंगल पे कॉन्टेक्ट है और लाइन कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर एक एंगल पे भी है और लाइन कॉन्टेक्ट है। तो लाइन कॉन्टेक्ट होने से कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है तो हैवी लोड को ये आसानी से कैरी कर लेगा। तो जो भी यहाँ लोड लगेगा तो इसमें एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो हम लोग सिर्फ अगर रेडियल लोड भी लगाएंगे तब भी दोनों लोड इंड्यूस होगा इस बियरिंग में, और थ्रस्ट भी लगाएंगे तब भी दोनों लोड इंड्यूस होगा, तो ये दोनों बंट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो टैपर रोलर बियरिंग है ये भी पेयर में इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब हम लोग मान लीजिए ट्रक में ही करते हैं या बस में ही करते हैं और कहीं पर जैसे टर्निंग आता है रोड का टर्निंग आता है और यहाँ पर व्हीकल्स है ना, यहाँ पर व्हीकल्स अगर टर्न ले रहा है तो टर्न ले रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जब हाई स्पीड में अगर टर्न लेता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है,
बाहर की ओर लगेगा तो पूरा व्हीकल जो है यहाँ से ये बाहर की तरफ फोर्स लगने की वजह से ये इधर मूव करना चाहेगा, तो ये शाफ्ट भी व्हील के ऊपर जो है इधर की ओर या हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स लग जाता है, यानी यहाँ पर बियरिंग के ऊपर जो है थ्रस्ट लोड लग जाता है। जब प्लेन रोड में जा रहा है तो पूरा व्हीकल का लोड क्या है, सिर्फ रेडियल है, यानी कि सिर्फ वर्टिकल लोड ही लग रहा है। इस पर क्या लग रहा है, सिर्फ वर्टिकल लोड ही लग रहा है, लेकिन जहां टर्निंग आ गया तो वहां पर एक थ्रस्ट कंपोनेंट भी आने लगता है ना। तो हम बियरिंग जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने व्हीकल में वो ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर रेडियल लोड तो करेगा ही, और थ्रस्ट लोड भी अगर कहीं आप पर, जैसे हम लोग स्टीयरिंग घुमा देते हैं तो व्हील जो है वो हमारा ऐसे घूमता है, तो व्हील ऐसे घूमता है बट शाफ्ट जो है व्हील के जो असेंबली है वहां पर बियरिंग असेंबली, वो बियरिंग के ऊपर एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स लगा देता है, यानी वहां पर थ्रस्ट लोड लग जाती है। तो इसके पास थ्रस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो यहाँ पर टैपर रोलर बियरिंग भी जो है यहाँ पर इस तरह से ऐसे पेयर में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ऐसे पेयर में इस्तेमाल होता है। तो फिर ये थ्रस्ट और हैवी दोनों लोड को ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, और इसके पास रिजिडिटी भी काफी हाई है ना। तो इस कारण से इसका इस्तेमाल जो है खास करके जो हैवी व्हीकल्स होता है और उसमें हम टैपर रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और थ्रस्ट बॉल बियरिंग तो स्पेशली बनाया हुआ है थ्रस्ट लोड के लिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर अगर मतलब शाफ्ट का एक्सिस है, शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग जो लोड लग रहा है तो ये थ्रस्ट लोड हो गया। तो थ्रस्ट लोड में यहाँ पर कॉलर लगा हुआ है, ये इस पे लॉक हो जाएगा, और यहाँ पर बियरिंग लगा हुआ है तो ये पूरी तरह से थ्रस्ट लोड को क्या करेगा, ये कैरी करेगा। तो इस प्रकार के बियरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट बॉल बियरिंग कहते हैं। तो ये था कॉमन कुछ टाइप का जो रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग में डीप ग्रूव सिलिंड्रिकल रोलर। तो डीप ग्रूव का इस्तेमाल हम लोग हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए, सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग का इस्तेमाल जहां पर मिस अलाइनमेंट ज्यादा होता है वहां पर करते हैं, और टैपर रोलर बियरिंग जहां पर थ्रस्ट और रेडियल दोनों लोड लग रहा हो और हैवी हो तो टैपर रोलर बियरिंग यूज करते हैं, और सिर्फ हैवी रेडियल लोड ही है, थ्रस्ट कम है तो फिर सिलिंड्रिकल रोलर का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था टाइप ऑफ रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग।